डीलर के पास जब ये राशन लेने जाते हैं तो क्या कहता है? क्या कहता है डीलर? जहाँ मर्जी तहाँ जाओ, तुम वो राशन नहीं देंगे। इतने से पहले कहते हैं हम विकास करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, और जितने के बाद जो है सब नेता अपना विकास की ओर भूल जाते हैं। साल भर हो चुका है शौचालय बनाए हुए, लेकिन अभी तक हमारे जो शौचालय का पेमेंट नहीं हुआ है। बार बार हम आते हैं। आओ दर्शक, तुम्हें दिखाए ये झांकी मुजफ्फरपुर बिहार की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनीस राज। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्ट जारी है और इस समय हम मौजूद हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र में और यहां के विधायक हैं महेश्वर प्रसाद यादव। आइए जानते हैं कि क्या 5 साल में कितना विकास हुआ है। जी हाँ, सही गलत का सिलेक्शन, बिहार इलेक्शन। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। जीरो ग्राउंड से हर विधानसभा क्षेत्र जाकर हम और अनीस आपको पल पल की वो अपडेट देते हैं, कौन सही कौन गलत, सबका चयन होने वाला है 10 नवंबर को। आइए जनता के पास चलते हैं और जनता की वो आवाज सुनते हैं, कौन सच कौन गलत। इस बार का मुद्दा क्या हो सकता है बिहार चुनाव में? क्या होगा, जैसे हर बार होता है वैसे होगा। क्या अभी कहाँ है आप? अभी हम आए हुए हैं अपने ब्लॉक में, प्रखंड में, गायघाट प्रखंड में। जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम हुआ राजकुमार चौहान। वोट देते हैं ना? जी। क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा, यहाँ कोई काम काज नहीं होता है, एक एक काम के लिए 3 बार हम लोग को दौड़ना पड़ता है, 4 बार दौड़ना पड़ता है। ब्लॉक में क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है जो हम लोग को, यानी कि साल भर हो चुका है शौचालय बनाए हुए, लेकिन अभी तक हमारा जो शौचालय का पेमेंट नहीं हुआ है। बार बार हम आते हैं, लेकिन यहाँ से कहते हैं ये ऑफिस चेंज हो गया, वो ऑफिस चेंज हो गया, शौचालय का पेमेंट नहीं हुआ। मुद्दा क्या है इस बार बिहार चुनाव का आपका? गायघाट के है ना? क्या विधायक 5 साल में क्या कुछ काम किए? काम क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया, कहीं किया कहीं नहीं किया। मुद्दा क्या हो सकता है बिहार चुनाव का इस बार? किसको देखते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, कितने सारे चेहरे? देखिए, यहाँ जो भी नेता है जो जीत के आए, जब जीतने से पहले कहते हैं हम विकास करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, और जीतने के बाद जो है सब नेता अपना विकास की ओर भूल जाते हैं, कोई जो है से विकास की ओर नहीं जाता है। लगभग क्या कहते हैं, 5 अप्रैल जो है 2005 से मिड डे मील वर्कर का काम चलता था, उसका भी देखिए क्या कटौती है कि आज तक का उसका जो वेतन जो है महीना में जो है 1500 मिलता है। उस पर भी देखिए, चाहे शिक्षा विभाग पर भी देखिए, विकास विभाग में देखिए, जहाँ तहाँ रोड नाला सब जो है से ठप है, ये सब जो है से कुछ करवारी सही से नहीं हो रहा है। मतलब विकास का मुद्दा उछलेगा बिहार चुनाव जी? वोट देते हैं ना? जी। वोट देंगे इस बार? इस बार जो है से देखिए क्या होता है। हमें क्या लगता है आपको इस बार क्या मुद्दा हो सकता है? क्या माहौल क्या है इस बार गायघाट से? आप क्या नाम क्या हुआ सर आपका? रोशन कुमार हुआ। क्या लगता है कि इसका मुद्दा क्या होगा? आप किस मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा में देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, इतने सारे चेहरे हैं। कोई चेहरे नहीं हमको नजर आ रहा। विधायक काम किया यहाँ पे? विधायक कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। वोट के लिए तैयार है? वोट के लिए क्या नहीं तैयार है, ऑलरेडी तैयार है। क्या विकास का मुद्दा रहेगा इस बार? विकास का मुद्दा एकदम अच्छा से रहेगा। क्या लगता है भैया, क्या लगेगा यहाँ पे? तो प्रॉब्लम है, देखिए बीजेपी से जुड़ रहा है नीतीश कुमार, तो प्रॉब्लम है, दे या नहीं दे, लेकिन देना तो पड़ेगा क्योंकि बीजेपी। आप स्टूडेंट है क्या? जी स्टूडेंट है। क्या पढ़ाई करते? कौन से पढ़ाई करते? बीकॉम पार्ट 2 में है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन मिला था क्या? कहाँ, हमने मतलब अप्लाई नहीं किया उसके लिए। उसके लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं किया। मतलब यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए? यहीं पढ़ते हैं। यहीं पढ़ते हैं। और कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जो पढ़ाई करने बाहर जाते हैं? आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आप बाहर जाते पढ़ाई करने? क्या मतलब ये बाहर क्यों जाते हैं? यहाँ पे ऐसा शिक्षा व्यवस्था नहीं है क्या बिहार में कि आप बाहर जाते हैं? क्या दिक्कत क्या है? पर उतना व्यवस्था नहीं है। तो मुद्दा क्या है मतलब इस बार बिहार चुनाव में? विकास। नाम क्या हुआ आपका? रविशंकर कुमार। किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? वैसे तो अभी कोई चेहरा है नहीं। चाचा, क्या लगता है बिहार, मुद्दा क्या हो सकता है इस बार बिहार चुनाव में? मुद्दा तो यही है कि ये यहाँ बहुत बड़ा बगलिंग हो रहा है, हर तरह का, यह बाढ़ राहत जो है उसमें क्या कहते हैं, एक आदमी को 2500 मिल गया पैसा से, सीओ साहब या मुखिया या जो सूची बना के लाया दे दिया। हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, ऐसे ही कुछ नहीं जानते हैं। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन नहीं मिलता है। राशन कार्ड सब बना है? राशन कार्ड वगैरह सब है। क्या चाचा, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? बहुत बहुत गंदा जा रहा है। क्या, कौन सा सरकार लूट खसोट की? सरकार जो है माहौल को बर्बाद कर दिया,
और गरीबों के नाम पर जो आवंटन करता है सब अपने घरे पर खेल देता है। मतलब 15 साल बनाम 15 साल कोई विकास नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब विकास जो है सबका अधिक है, यहाँ अधिक है, चोरी और घुसखोरी अधिक है, यही जान। क्या 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 लगता है इस बार बिहार चुनाव में क्या हम कह सकते, माहौल क्या है? माहौल तो लग रहा है कि बीजेपी की है। बीजेपी की है, हाँ। क्या माहौल क्या लगता है, कौन सी पार्टी? अरे पार्टी क्या कहें यार, माहौल तो अभी कुछ भी नहीं कहता। और हम आपको लिए चलते हैं अनीस, थोड़ा दिखाइएगा प्रखंड सहांचल कार्यालय गायघाट मुजफ्फरपुर, यहाँ पे जितने सारे जो पब्लिक आपको दिख रहे हैं कोई ना कोई समस्या को लेकर यहाँ पर आते हैं, क्या वाकई जमीनी स्तर पर इनका काम हो रहा है या सरकार का वो हर एक हलफनामा चलता है कि मैंने ये किया मैंने वो किया और तमाम तरह के जो काम है वो गिनाते रहते हैं। आइए हम कुछ जनता से यहाँ बात करते हैं और जानते हैं क्या वाकई में जमीनी स्तर पर काम हुआ है, क्या क्या लग रहा है यहाँ पे आपको? हमारे मुखिया जी हैं जी, आप मुखिया जी पुराने, बहुत पुराने। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ दिनेश सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं आप मुखिया? हम बहुत पुराने मुखिया थे रामनगर का। अच्छा, आपका मैं जान सकता हूँ गांव का नाम क्या है? रामनगर। अच्छा, प्रखंड कौन पड़ता है? गायघाट प्रखंड। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल में, इस चुनावी दंगल में किसका होगा मंगल? अभी तो कोई न टिकट बंटवारा हुआ है न प्रत्याशी का चयन हुआ है, अच्छा प्रत्याशी आएगा तो गायघर से जीत कर जाएगा, उसके बाद सरकार बना। अच्छा, इस क्षेत्र के विधायक कौन थे? इसके तो अभी महेश्वर यादव। महेश्वर यादव है। क्या लगता है जमीनी स्तर पे काम हुआ है? अभी बात हम कई वर्षों से वो इस क्षेत्र के विधायक है, क्या जमीनी स्तर पे काम हुआ है क्या? हम अभी नहीं बता सकते। क्या हुआ, क्या नाम है आपका? पूछिए इनसे। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? गायघाट। गायघाट के रहने वाले, क्या बताइए क्या समस्या? समस्या तो देख रहे हैं आप सामने में, बिचौलिया का बना हुआ है। निश्चित काम के लिए आधार के लिए आए हैं। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है आपको, चुनावी माहौल जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है इस बार, यहाँ के सब लोग जानते हैं कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो महेश्वर प्रसाद है, और क्या लगता है पिछले 15 साल बनाम इस बार का 15 साल, क्या लगता है विकास किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हुआ है और क्या क्या है? अभी जो विकास जो हुआ है, विकास इस साल जो 5 साल का जो हुआ है उसमें कहीं पर कोई विकास। चलिए ठीक है, आपका आपका नाम क्या? अरुण कुमार। कहाँ के रहने वाले? बागाखाल के रहने वाले। नीतीश जी ने विकास तो किया है लेकिन इनके कार्यक्रम में भ्रष्टाचार प्रखंड स्तर पर जिला स्तर पर काफी बढ़ा हुआ। आप किसको देखना चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री तो हम लोग बीजेपी के चाह रहे हैं लेकिन अभी तो बीजेपी वाले लोगों ने भी नीतीश जी को ही किया है, इसलिए आप किस ग्रामीण इलाके पर चाहते हैं, कौन से गाँव के नाम क्या? बाघा का। आपका जो प्रखंड है ये गायघाट? गायघाट। क्या वहाँ पे जमीनी स्तर पे हर घर नल का जल पहुँचा है? नल जल तो पहुँचा है। सड़क कैसा है? सड़क अभी टूटा हुआ है। सड़क टूटा हुआ है, हर गली गली हम पहुँचा दिए। मैं विवेक कुमार लक्ष्मण नगर का हूँ और लक्ष्मण नगर में सर आकर के थोड़ा जांच किया जाए। बरम स्थान के पास एक सड़क है जो इतना कचरा है सर, इतना जर्जर है कि आए दिन उस पर दुर्घटना होते रहता है सर जी। उनके पास भी बोले कभी वो आए हैं देखने? ना नहीं सर। क्यों? अब उन्हीं के पास पता होगा, समय है ना उनके पास। क्या करते हैं आप? हम तो सर मजदूरी करते हैं सर और यहाँ पर जीविका में थोड़ा छोटा। क्या लगता है, क्या लगता है इस बार बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है? इस हालात में तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्या क्या बताइए क्या कह रहे हैं? हमारे घर कुम्हरा वकील रहा है। वकील रहा है। बताइए क्या समस्या आप? समस्या ये है जो हमारे वार्ड में 305 के लिखा है, 150 के 150 बने के आदमी परेशान है, 6000 जाके हाँ परेशान है। किसी से ये नहीं किए? किसी से दौड़ते सीओ साहब रहबे नहीं करते पूरा। तो आप बनाए हैं, बाढ़ आ गया, आप बनाए हैं गायघाट प्रखंड क्षेत्र के जो विधायक हैं महेश्वर प्रसाद को, क्या उन्होंने आया नहीं कभी देखने? बराबर आते रहते हैं तो आया नहीं वो भी आते हैं, उनका में कोई गलती? सीओ साहब रहबे नहीं करते, पैसा तो ये न डालेंगे ये न लाएंगे नीतीश कुमार के साथ। अच्छा अच्छा, एक और मैं लेना चाहता हूँ, यहाँ तेजस्वी प्रसाद वादा पे वादा कर रहे हैं कि हमने आप हमको मुख्यमंत्री पद तो दीजिए, हम आपको 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कहाँ तक ये हकीकत है कि एक दिन में एक बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे? 15 साल में तो कुछ दे नहीं पाए तो कैसे दे देंगे? 100 रुपये में 80 बनता है ना? अरे महेश्वर यादव का यही सुशासन है ना? तो इस बार चेंज होना चाहिए विधायक? हाँ, विधायक चेंज होना चाहिए।
किसको देखना चाहते हैं? किसको? जो आया उसको, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। जी, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने पहुँचा और हम और अनीस लगातार आपको जीरो ग्राउंड से हर वो हकीकत से रूबरू करा रहे हैं जो वास्तव में जमीनी असर पे काम हुआ है या नहीं, और लगातार ये हमारा कवरेज सही गलत का सिलेक्शन बिहार इलेक्शन जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाखबर।